यारो, ये पानी से निकली मस्जिद पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दूं कि ये मस्जिद बिहार के नवादा जिले के फुलवरिया डैम में सामने आई है। लोग इस बात से हैरान हैं कि ये मस्जिद पिछले 30 सालों से पूरी तरह पानी में डूबी थी, लेकिन इसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है। उस एरिया के लोगों का कहना है कि यह डैम में मौजूद मस्जिद 120 साल पुरानी है। वहीं सोशल मीडिया पर इसे 600 साल पुरानी बताया जा रहा है। दरअसल फुलवरिया डैम को साल 1984 में बनाया गया था। इससे पहले इस जगह पर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी हुआ करती थी, मगर सरकार द्वारा इस जमीन को टेक ओवर कर इस डैम को बनवा दिया गया और वहां के लोगों को डैम के बाजू वाले गांव में शिफ्ट किया गया था, मगर इस मस्जिद को यूं ही छोड़ दिया गया और अब ये मस्जिद पानी की कमी होने की वजह से 30 साल बाद पूरी तरह दिखने लगी है। इस मस्जिद के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।